हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड से बने स्नैक्स की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, जिसे आप कम समय में बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सारा ब्रेड के स्लाइस की जरूरत नहीं है, 3 से 4 स्लाइस में आप काफी सारे पीसेस बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, उसमें ऐड किया है 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और साथ ही चॉप किए हुए ग्रीन चिली, जिंजर, अदरक के छोटे छोटे पीसेस चॉप किए हुए। बस इनको 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जैसे ही ये लाल हो जाते हैं, साथ ही सूखी धनिया कुटी हुई और साथ ही 1 चम्मच जीरा, अब इन सभी को अच्छे से मिर्च के साथ हमें भूनना है। हाई फ्लेम पर नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि मसाले जल भी सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड किया है मैंने बॉयल किए हुए 3 मीडियम साइज के आलू, पोटैटो और साथ ही 1/2 कप मटर। अब आपने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आलू को आप चाहें तो मैश कर सकते हैं और चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक और हाँ, सबसे ज़्यादा टेस्ट बनाने वाला है इसको, आमचूर पाउडर 1 चम्मच ज़रूर डालें। इससे तो फ्लेवर इतना मज़ेदार हो जाता है ना, जिसे हम कहते हैं चटपटा, है ना, तो वो चीज़ तो आपको आमचूर के बिना नहीं आने वाली है। तो 1/2 चम्मच ज़रूर डालिए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करिए और ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम साइड में रखेंगे। हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और उसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन और साथ ही उसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी और 1/2 चम्मच से थोड़े से कम लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हाँ जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को करिए मिक्स। यहाँ पर 1 पैकेट मैंने डाला है चिली फ्लेक्स और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छा सा बैटर बनाएंगे। अच्छा सा मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, मतलब हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीकी ठीकी रखनी है। तो ये देखिए मेरा बैटर बिल्कुल हो चुका है तैयार। अब मैं लेती हूँ ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 स्लाइस। अब मैं क्या करूँगी, 1 स्लाइस पे लगाऊँगी केचप। आप चाहें तो केचप लगा लें या फिर रेड चिली सॉस आती है ना, उसका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी होता है। और दूसरी साइड में लगाया ग्रीन चटनी। और अब हम यहाँ पर रखेंगे मसाला, जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना आलू और मटर की, बस वही स्टफिंग को अब हमें पेस्ट करना है। अब आप कहोगे आरती ये तो ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। जी हाँ, है तो ये ब्रेड पकौड़े, पर ये ब्रेड पकौड़े बाइट हैं, मिनी ब्रेड पकौड़े भी कह सकते हैं और ब्रेड पकौड़ा बाइट भी कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर आपके पास घर में मेहमानों की लिस्ट ज़्यादा बढ़ गई है और ब्रेड की स्लाइस कम पड़ गई है, तो आप ये ऑप्शन, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, है ना। लगा देना है अच्छे से, लॉक कर देना है कि चारों तरफ से अच्छे से पेस्ट हो जाए और ऐसे नाइफ की हेल्प से इसके 4 पीसेस कर लेने हैं ऐसे स्क्वायर में, है ना, मज़ेदार ये आइडिया। तो देखिए 4 पीसेस हो चुके हैं। अब हम अपने बैटर को लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर। अब इसके ऊपर 2 ड्रॉप पानी, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाए, मर्जी है, उसके बिना भी हो ही जाएगा। तो बस अब इन सभी चीज़ों को कर दीजिए मिक्स, कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ डाला है मैंने हरा धनिया चॉप किया हुआ। अब हमें लेना है ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। लेकिन 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 जब आप डालें ब्रेड के पीसेस को, तो फ्लेम मीडियम होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने सभी पीसेस को डिप किया अपने बैटर में और डिप करके 1-1 पीसेस डाल दिए। ये देखिए अब एक साइड से ये शेलो फ्राई हो जाएंगे, तो हम दूसरी साइड से पलट देंगे। और आपको पता है ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो अब आपको ज़्यादा बनाने हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करना है, तो आप ये वाला आइडिया फॉलो कर सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाइए ये रेसिपी और कमेंट कर मुझे बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे मेरे साथ अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। तो बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपके फैमिली को कैसा लगा खाकर। तो बाकी के बैच भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। बस ध्यान रखना है सारे बाइट्स हमें, सारे ब्रेड पकौड़े बाइट्स हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। तो ये देखिए दोस्तों सारे तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, मैंने बाहर निकाल लिया। कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, मज़ेदार। तो चाहे शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता,
फिर बात हो मेहमानों के वेलकम की, तो इंजॉय करें गर्मा गर्म मिनी ब्रेड पकौड़ा बाइट, है ना मज़ेदार। तो ये देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसकी स्टफिंग कितनी मज़ेदार है ना। ऐसा है अगर आपको चटपटा बनाना है तो मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा अनुसार यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक थम्स अप तो बनता है ना, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो